हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुषमा व्लॉग में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, और हमारे ओर से बहुत बहुत सारा गुड मॉर्निंग। और मैं आई हूँ गांव में, तो देख सकती हूँ इस तरह से हमारा फेस है। और मैं जैसे ब्रश वगैरह कर ली हूँ, तो एप्पल खा लेती हूँ, नाश्ता वास्ता हमारा हो जाएगा। और चलो, और यहाँ पे भी काम धाम नहीं हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हुआ है। और हमारा रूम का भी सर सफाई करना है, और सोच रहे हैं कि झोल झाड़ना है थोड़ा सा। मैं दीपावली में साफ नहीं कर रही थी ना, तो चलो हमारा रूम का चाबी मैं ले कर के गई थी, इसलिए हमारा रूम का सफाई नहीं हुआ है, तो सफाई भी करना है। और चलो ज़्यादा और देख लीजिएगा कल मैं शॉपिंग क्या करी हूँ, वो जाकर के हमारे वीडियो में तब तक देखिए और किस तरह से लगता है। और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। दही दिखा, दही दिखाई ना, दही दिखाएगी तब ना, निकाल निकाल। ये देखिए घर का दही है, फ्रेश फ्रेश, वो नहीं मतलब कहीं मार्केट वाला नहीं, घर से बनाया होगा ना, एकदम महतवाइन की नहीं है, चेराइन का है ना। हाँ, हाँ, और ये महतवाइन महतवाइन आंटी यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखा कैसे से करके देखा, तब देखा दही ना, हाथ दिखा। ये देखो छोटी सी बच्ची किस तरह से बेच रही है दही, तो कमेंट कीजिएगा जरूर। ये कैसे कैसे बेच रही हो जी? 10 रुपए किलो। हाँ, 10 रुपए किलो पौआ दे पे कर रहे हैं हम। दीदी दीदी, अरे अंधेरा आ रही है, चू चू का उधर क्या हो रहा है, उधर से दिखाई नहीं, बढ़िया आगे इधर अंधेरा बढ़िया। अभी लाइट जल रहा है, तो ये देख सकते हो सामने से मैं दिखा रही हूँ किस तरह से दही, बहुत है टेस्टी वाली दही, टेस्ट एंड बेस्ट। कैसे किलो दे रही हो जी? है यानी कि 40 रुपए किलो दे रही है, 10 रुपए आधा किलो देना है, बस करो रे। ये मेरी बड़की दीदी जो है ना, एकदम लालची हो गई है बच्चा को देख के, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। पैसा 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 दे दे, पैसा दे दे ठाकुर। तो दो बार हम लोग दही लिए हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं, दूध भी देते हैं ना, तो ऐसे देते हैं जरूर। तो दही में भी वही सेम प्रोसेस होता है कि क्योंकि एक देने से थोड़ा सा देते ही हैं, सब लोग देते हैं वैसे, माइंड मत कीजिएगा, ऐसे ही बोल दिए। ये देखो डाल रही है छोटी सी बच्ची। अरे ए लड़की, कोई पूछेगा तो 10 रुपए मत बोलना, बोलना ना 10 रुपए पौवा दे रहे हैं, 40 रुपए केजी दे रहे हैं, ठीक है? क्या बोलेगी, क्या चीज बोलेगी? हाँ केजी बोले ना, खाया होता ना केजी जाए वो समझ जाती। हे गाइस, तो देख सकते हो यहाँ मैं आई हूँ डाल्टनगंज, और जस्ट यहाँ पे सिटी बाजार है, और यहाँ पे पलामू पड़ता है, और कैसा लगता है ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा, किस तरह से है, कमेंट करना ना भूलिएगा, बहुत आपका कमेंट दे करके बहुत। तो हे गाइस, तो जैसे मैं आई रांची से जस्ट आई हुई हूँ डाल्टनगंज, और ये डाल्टनगंज मॉल है सिटी स्टाइल, तो जाते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग में क्या चीज़ मेरा बेटा लेकर आया था पहले देखने के लिए, तो जा रहे हैं देखते हैं अंदर क्या चीज़ कैसे मिलता है, और आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ डालते हैं पलामू का, आप घूमिए देखिए, और कैसा यहाँ का सिटी स्टाइल है वो भी आपको दिखाते हैं। चलो मेरे साथ स्टाइल बाजार चलते हैं हमारे साथ। हे गाइस, तो यहाँ पे ना छठ पूजा का ये बहुत सॉन्ग चल रहा था, इसीलिए मैंने ये कर दिया, म्यूट कर दिया आवाज़ और वॉइस आ रहा था, तो इसीलिए मैं साउंड अपना ये कर रही हूँ। ये है मॉल में एंट्री करने लगे हैं, और देख सकते हो यहाँ पे मॉल में जा चुके हैं अंदर में, और अंदर जा रही हूँ मैं, और पूरा यहाँ पे ज़्यादा मतलब सॉन्ग चल रहा था ये छठ पूजा की, तो मेरे को लगा कि शायद कॉपीराइट ना लग जाए, इसी की वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रही। और देख सकते हो जस्ट मैं रांची से ही आई हुई हूँ, और मेरा दीपू बोला कि चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे किस तरह से मॉल है, तो इसीलिए मैं गई हूँ। और गाइज, पूरा यहाँ पे ना इधर सारे लोग खरीदारी कर
रहे हैं और छोटी सी बच्ची बहुत मैं वीडियो कर रही थी ना, बोल रही थी, मेरे को ही देख रही थी, तो इसीलिए मैंने ले लिया इसमें। और देख सकते हो ये है, ले रहा है थोड़ा सा हैंकी टाइप से ले रहा था टी शर्ट और बोला कि ले लो, और ज़्यादा इसमें प्राइस नहीं है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रही है। और ब्लैक ब्लैक पता नहीं इसको कितना अच्छा लगता है, तो मेरा बाबू ब्लैक ही पसंद कर रहा था, तो मैंने बोला कि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोला कि चलो देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है। तो लास्ट में फाइनली जिसको पहनना है वो, उसने बोला कि मम्मी मेरे को हे गाइस, तो देख सकते हैं हमारा दीपू ये वाला लिया है, ब्लैक वाला हैनिक लिया हुआ है। हाँ वही हाइनेक हमने ले लिया और फिर एक ही कपड़ा लिए। उसके बाद मैं जा रही हूँ बिलिंग कराने के लिए और ऐसे देखने के लिए, और मैं एक बार गई हुई हूँ यहाँ पे, तो सेकेंड टाइम मैं गई हूँ यहाँ पे, तो जब दुर्गा पूजा टाइम में आई थी ना, तो यहाँ पे बहुत सॉन्ग हो रहा है और साथ हमारे कंटिन्यू बने रही है। हम नहीं तो अगर गाइज इतना मतलब ये बोले थे ना, तो ये देख सकते हो ऐसे ही सॉन्ग चल रहा था, इसकी वजह से मेरे को सारा वाच ये करना पड़ रहा है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रही है। और ये देखिए यहाँ का स्टाफ हैं, तो वही देख भी रहे हैं और मेरा बेटा को देख रहे हैं अब किस तरह से लग रहा है। ये है बड़ा, हम मेरा बेटा है बड़ा ये वाला, और छोटा नहीं आया था, छोटा घर चल गया था, सामान वगैरह ले करके भिजवा दिए थे और हम लोग चल दिए बिलिंग कराने के लिए। और सामने हमारे देख सकते हो यहाँ पे बिलिंग हो रही है और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए आप। चलो चलो देख सकते हो, सिटी बाजार ये वाला है और यहाँ देखो सामने में जो सिटी स्टाइल छमुहान पे। देखो छमुहान की गली आ चुके हैं हम लोग और थोड़ा सा काम है मुझे, सिंगार स्टॉल में रुकूंगी। आ गए हैं सिंगार स्टोर के पास, ले लेते हैं सामान, ले लेते हैं चीज़ों बोलो। हे गाइस, तो देख सकते हैं सिंगार स्टोर में आए हुए हैं, डालते हैं छमुहान के पास, बगल में है, तो आइए आप भी दिखा 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 हाथ से। ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह से हमारा चूड़ी लग रहा है और कैसा सिंगार स्टोर है और सिंगार स्टोर के भैया लोग कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक लग रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या लेना है बोलिए। हमारा हो गया है, देख सकते हो मैं ले ली हूँ, खरीदारी मैंने हो चुकी है और हालत हो गई है खराब, बहुत जोर का कुछ लग रहा है, चलते खाते हैं क्या खाते हैं बताएंगे आपको। अरे थोड़ा सा कैसा आप लोग का दुकान कहाँ पे है बता दीजिए, आपका आपको हमारा ब्लॉग में स्वागत है, सुषमा ब्लॉग में, तो आप थोड़ा सा बोलिए, इंटरव्यू दीजिए। तो कहाँ पे ये है दुकान आपका? हाँ, छिंदवाल चौक बड़ी मस्जिद रोड। हाँ, चूड़ी महल। तो छठ पूजा का बिक्री सिक्री हो रहा बहुत अच्छा? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए फिर छठ पूजा में मिलेंगे हम लोग, फिर आएंगे खरीदारी बहुत सारा करने के लिए, ठीक है, थैंक यू भैया। मतलब मैं चूड़ी वगैरह ले ली हूँ और घर जा रहे, काफ़ी हो गई है शाम और काफ़ी भूख भी लग गई है और जा रहे हैं घर जाने के बाद, और इधर देखते हैं कुछ खाने को मिलता है, खा लेंगे। देखो कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। अच्छा लग रहा है रे, अच्छा लग रहा है, बताइए।
कैसा लग रहा है खाके? टॉप क्लास। वहाँ से कैसा लगा? इसलिए देखो ये हम चाट खा रहे हैं और ये बेलवा टिकर में पड़ता है स्टेशन के जस्ट सामने, इधर बेलवा टिकर है और स्टेशन रोड के सामने इधर है, तो चाट खा रही हूँ और कैसा चाट लगेगा वो भी खा करके बताएंगे किस तरह से चाट लग रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है? एक नंबर। चलो खा करके फटाफट मिलते हैं और जल्दी जल्दी घर भी जाना है और काफ़ी लेट हो गई है, घर पर जाके मिलेंगे आपसे। कीजिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा सिटी बाजार कैसा लगा और सिटी स्टाइल कैसा लगा? स्टाइल तो मैं सिटी स्टाइल में नहीं गई हूँ, सिटी बाजार में आज मार्केटिंग करी हूँ। और किस तरह से आपको लगा डाल्टनगंज पलामू का सिटी बाजार है और कैसा आपको लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।